आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ड्यूरिंग द टाइट्रेशन ऑफ अ वीक डाइप्रोटिक एसिड H2A अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, द pH ऑफ द सॉल्यूशन halfway to the first equivalent point and that at the first equivalent point are given respectively by. तो हमें यहाँ पे pH determine करना है इस titration में, कब, जब halfway है to first equivalent point और exactly at first equivalent point. तो दो point पे इसका यहाँ पे pH find करना है. सबसे पहले यहाँ पे reaction की बात करें तो reaction है यहाँ पे H2A plus NaOH, और यहाँ पे first step में क्योंकि halfway reaction में क्या होगा, ये NaHA फॉर्म होगा प्लस H2O. यहाँ पे मोल्स की बात कर लेते हैं, ये हमारा पहले पार्ट है. इसमें अगर यहाँ पे बात करें मोल्स, तो H2A का अगर हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे A मोल्स है, यहाँ पे गिवन है यहाँ पे A मोल्स अगर कंसिडर करते हैं तो A बाई टू, क्योंकि हाफ वे है टू द फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट और इनिशियली ये तो प्रेजेंट नहीं है. एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है कि यहाँ पर रिएक्शन होगी, तो ये ए बाय एनएस ए बाय टू और ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और ये कितना फॉर्म होगा, ये होगा फॉर्म ए बाय टू. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NaHA बच रहा है और H2A बच रहा है, तो ये क्या बच रहा है, H2A वीक एसिड है. तो यहाँ पर जो बच रहा है वीक एसिड प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, प्लस इट्स कॉन्जुगेट बेस, दो चीज यहाँ पे बच रहा है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा हमारा वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पर हम पीएच कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम पीएच रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ पीएच इज इक्वल टू पीके वन प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, जनरल फॉर्मूला. तो लॉग ऑफ NaHA कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2A कॉन्सेंट्रेशन. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों ही A बाई टू अमाउंट में प्रेजेंट है, A माइनस A बाई टू इज इक्वल टू A बाई टू और ये भी A बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ A बाई टू अपन A बाई टू मतलब लॉग ऑफ वन, तो ये क्या हो जाएगा PKa1 प्लस लॉग ऑफ वन, लॉग वन हम जानते हैं जीरो होता है, तो यहाँ से pH इज इक्वल टू PKa1 एट हाफ वे टू द फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट. pH की वैल्यू क्या आएगी, pH इज इक्वल टू PKa1. अब यहाँ पे आगे चलते हैं, जब कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट तो उसमें दोनों A अमाउंट में प्रेजेंट है और कोई सॉल्ट और यहाँ पे ये फॉर्म नहीं है, ये रिएक्शन है अगर, और फिर फाइनली क्या हो जाता है, फाइनली ये दोनों ही कम्प्लीटली डेड कर जाएंगे और ये A बचेगा. तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एम्फी प्रोटिक सॉल्ट, एम्फी प्रोटिक सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एम्फी प्रोटिक सॉल्ट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू PKa1 प्लस PKa2 बाय 2, तो यही यहाँ पे pH हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बच रहा है, एम्फी प्रोटिक सॉल्ट है ये NaHA एम्फी प्रोटिक सॉल्ट. तो इसका pH हम कैसे डिटरमाइन कर लेंगे, pH इज इक्वल टू PKa1 प्लस PKa2 बाय 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों pH एक हो जाएगा PKa1 और एक PKa1 प्लस PKa2 बाय 2. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.